हेलो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। संवेगनाथक शब्द के तो कृपण का मतलब क्या होता है? कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कृपाण का मतलब क्या होता है? तलवार। कोश का मतलब होता है शब्दों का भंडार, और ये वाले कोश का मतलब क्या होता है? खजाना। ठीक है। खोल का मतलब होता है बाहरी आवरण, और खोल का मतलब क्या होता है? उबाल। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। और गाज का मतलब क्या होता है? बिजली। अगला है, गुरु का मतलब क्या होता है? उपाय। और गुरु का मतलब क्या होता है? अध्यापक। गृह का अर्थ है घर, और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। चपल का मतलब होता है चंचल, और चपला का मतलब होता है बिजली। अगला है चरम, तो चरम का मतलब होता है आखिरी, और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। चीर का क्या मतलब होता है? चीर का मतलब होता है पुराना। चीर का मतलब होता है वस्त्र। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और ये जरा का मतलब होता है थोड़ा। देखिए यहाँ पे जरा के नीचे बिंदी लगी हुई है, तो ये डिफरेंट है, तो आप देख के क्वेश्चन को करिएगा। तो जरा का मतलब बुढ़ापा, और जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा। फिर है ज्वर। ज्वर का मतलब होता है बुखार, और ज्वार का मतलब क्या होता है? उफान। तप का मतलब होता है तपस्या, और ताप का मतलब क्या होता है? गर्मी। दशा का अर्थ क्या है? दशा का अर्थ होता है हालत, और दिशा का क्या अर्थ है? दिशा का अर्थ है तरफ। अगला है दिन। दिन का मतलब होता है दिवस, और दिन का मतलब क्या होता है? गरीब। द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब क्या होता है? धन। धन का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। और धान का मतलब क्या होता है? चावल का पौधा। अगला है नग। नग का मतलब होता है पर्वत, नगीना। नाग का मतलब क्या होता है? सांप। नीर का मतलब क्या होता है? जल। और नीड़ का मतलब क्या होता है? घोंसला। अगला है निधन का अर्थ क्या है? निधन का अर्थ है मृत्यु, और निर्धन का अर्थ क्या है? गरीब। तो दोस्त, ये हो गया वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।